देर वॉज अ टाइम जब एस आर के और सलमान के बीच में रिफ्ट था, फिर वो दोनों मिल गए कुछ टाइम बाद। आपके और आपके पुराने दोस्त अगर मैं बादशाह की बात करूँ, रिफ्ट चल रहा है, बट समाओ मुझे लगता है आने वाले टाइम में क्या आपको लगता है कि वो वापसी होगी दोस्ती की, क्योंकि यू गाइस कैन क्रिएट अ बिग समथिंग बिग इन बॉलीवुड और पंजाबी इंडस्ट्री। हमने साथ में काम बहुत सारा किया, मैंने बादशाह की एल्बम एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर फर्स्ट एल्बम उसकी मैं बना रहा था जो बीच में रह गई, बट हम लोग कभी दोस्त नहीं थे, हम लोगों में एक ब्रदरहुड था, दोस्त कभी नहीं थे। तो ये नहीं कहेंगे कि ये दोस्ती थी पहले या आप दोस्ती हो जाएगी, एक प्यार पहले था, प्यार आज भी है, काम नहीं कर रहे, मिल नहीं पाते, वो बात अलग है, लेकिन प्यार हमेशा से सबके साथ साथ ही है। बराबर हरिभा जी, मानसू दिस साइड, गाना बहुत ही कमाल का है और जब आपके रैप आते हैं तो चार चांद ज़्यादा गानों में। इससे पहले हम लोगों ने आपका एक गाना सुना था सेल्फी में, बहुत ही कमाल का था वो गाना, याद है अभी भी हमें। लेकिन गाना आपके बहुत कमाल के हो जाते हैं, लेकिन सेल्फी जो है उस दिन अक्षय कुमार की फिल्म ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाई बॉक्स ऑफिस पर, और ये आई थिंक उनकी 10th फिल्म है जो बॉलीवुड में बिल्कुल कामयाब नहीं है, 10 फिल्मों की अगर मैं बात करूँ तो। कैसे देखते हैं ये थोड़ा सा, मतलब डाउनफॉल नहीं बोलूँगा क्योंकि अक्षय पाजी हैं और आप उनके आइडल हैं बहुत बड़े, तो क्या आपको कमी लग रही है, मतलब ये जो ट्रेंड चलता है इनकी वजह से फिल्में नहीं चल पा रही, या फिर सच में कुछ कहानी लायक वो फिल्में नहीं कर पा रहे? मेरे हिसाब से मैंने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के बीच में बैठ के एक चीज़ देखी, शाहरुख भाई से भी चीज़ मैंने सीखी थी, बहुत सी कहानी उनके साथ वर्ल्ड टूर किया आफ्टर लुंगी डांस, उन्होंने मुझे पूरी दुनिया लेके गए साथ में, और जब भी शो खत्म होते थे वो 8-8 घंटे मुझे अपने पास बिठाते थे और चीज़ें समझाते थे कि बेटा ऐसे होता है, बेटा ऐसे करा कर, बेटा ऐसा करियो, ऐसे मत करियो। तो मैंने इनकी लाइफ में एक चीज़ बड़ी नज़दीकी से देखी, जो मैंने आज अभी ये डायलॉग मारा कि मैं चौका मार पाऊँ या ना मार पाऊँ, छक्का मार पाऊँ ना मार पाऊँ, मैं किसी और के बारे में आने दूंगा, इन लोगों का भी यही फॉर्मेट है लाइफ का, ये लोग कंसिस्टेंसी में बिलीव करते हैं, काम करते रहने में बिलीव करते हैं, और पैशन ही इन लोगों का, पागलों की तरह काम करना है बस। मैंने लोगों को कभी भी कुछ और करते नहीं देखा।